I was dancing in a festival, टोबा टेक सिंह में, तो मुझ पे तेज़ाब गिरा दिया गया। मेरा पूरा चेहरा, अभी जिस तरह मैंने हाई नेक पहना हुआ है आप फील करने में, गर्दन मूव करने में अभी भी प्रॉब्लम है। मैंने इस्लामाबाद में आके पहली अपनी सर्जरी करवाई है। तो एक्चुअली डेट वाज माय टर्निंग पॉइंट। और उस मौके ने कि वो जो तकलीफ़ हैं जो मैंने बर्दाश्त की हैं, उस आई हैव नो सेकेंड ऑप्शन के एक्सेप्ट कि मैं बेगिंग करूं, लोगों के आगे हाथ फैलाऊं और गलियों में जाके, जिस तरह पहले मैं अपने गुरु के साथ करने, इट वाज नॉट न्यू फॉर मी कि ये मैंने पहले भी किया हुआ था, कि मेरे लिए वो कोई नई चीज़ तो नहीं थी। तो यह दूसरा ऑप्शन था कि अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँ। लेकिन वो जो 3 माह मैंने बेड के ऊपर गुजारे, जिस दौरान मेरा चेहरा बिगड़ चुका था और मैं रोज़ाना शीशा देख के अपने आप को सोचती थी कि ये वो नायाब पहले वाली है कि ये अब ये कौन है, ये किसका चेहरा है। तो वो 3 महीने एक्चुअली मेरा टर्निंग पॉइंट था। उससे पहले मैं सीरियसली कहती हूँ कि मुझे किसी से परवाह नहीं थी। मैं कहती थी मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, वायलेंस है, ठीक है, अगर कोई मेले पे आपको उठा के लेकर जा रहा है, आपको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहा है, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आपको कोई गाली दे रहा है, आपको कोई हिजड़ा, आपको कोई खुसरा, आपको कोई जनाना, आपको कोई ख्वाजसरा कह के आपको आवाज़ें दे रहा है, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। तो मुझे जस्ट मैंने वायलेंस को एज अ पार्ट ऑफ लाइफ एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन जब वो एक हद गुजर गई, वो खूबसूरती जिससे मुझे प्यार था, वो मेरी खूबसूरती ज़ाया कर दी गई, कि वो जो है वो गले में दुपट्टा डाल के फिरना, वो बाल खोलना और वो सारी चीज़ें, क्या आप नाचना, गाना, खुशियाँ मनाना, वो हर चीज़, वो सारी चीज़ें छीन गई। तो वो 3 माह जो है वो मैंने अपनी ज़ात को पहचानने में लगाए कि नायाब, कि तुमने, अगर मैंने उन 3 माह के दौरान अपने आप से वादा किया कि अब मैंने अपने लिए नहीं जीना, अगर मैं बच गई तो, और मैंने दूसरों के लिए जीना है, और अपनी ख्वाजसरा कम्युनिटी के जो मसले मैंने बर्दाश्त किए हैं, जो इश्यूज़ मैंने देखे हैं, वो मेरी कम्युनिटी ना देखे। और आई थिंक कि वो एक, मैं अभी भी सोचती हूँ और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि मेरे साथ वो हादसा होना था और मैंने अपनी लाइफ को चेंज करना था।